नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है शारीरिक मापतोल। तो शारीरिक मापतोल के लिए किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे इन सारी चीजों के लिए मेरे पहले वीडियो आ चुके हैं, चेस्ट के लिए भी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना। चेस्ट आपको किस तरह से फुलाना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे चेस्ट नापा जाता है, हाइट को भी किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शॉर्ट में और आपको जानकारी दे देता हूं इन तीनों ही चीज के लिए। पुरुषों के लिए जो चेस्ट होगा और हाइट होगी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होगी और वेट होगा। तो ये दो दो इवेंट होते हैं दोनों के लिए, बट मैं कॉमन एक ही वीडियो में सारी चीज आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो नियमित स्टूडेंट है वो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको भी इसका फायदा मिल सके। जिस दिन बेटा आपका फिजिकल होगा, सबसे पहले रनिंग कराई जाएगी। जो बच्चे दौड़ में पास होंगे उन बच्चों का शारीरिक मापतोल किया जाएगा, अर्थात उन बच्चों का हाइट चेस्ट वेट लिया जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो फिजिकल में जो रनिंग वाला पार्ट है वो दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला पार्ट अगर आपको इसमें आपको डाउट लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी हाइट पूरी है और यहाँ कम कर दी गई है, मेरा चेस्ट पूरा और कम कर दिया गया है, मेरा वेट पूरा और कम कर दिया गया है, मुझे असफल घोषित किया गया है, तो आपको अपील करने का अधिकार दिया गया है। 500 रुपए आप अपनी पॉकेट में एक्स्ट्रा रखिए, वो आप डिपॉजिट करिए और एक बार दोबारा से आप अपना हाइट चेस्ट वेट करा सकते हैं। बोर्ड आपका हाइट चेस्ट वेट करेगा और अगर सही पाया गया तो आपको फिट किया जाएगा। तो ये चीज आपको उसी दिन हो पाएगा, ये वहां से आने के बाद में नहीं हो पाएगा, उसके बाद में कोई अपील इसमें नहीं सुनी जाती है। तो सबसे पहले सीने के अंदर, चेस्ट के अंदर दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। फुलाने के लिए आपको सांस अंदर भरना होता है, इसके अलावा चेस्ट को ऊपर उठाना होता है और कंधों को खोलना होता है, थोड़ा सा बैक करना पड़ता है। जब हम कंधों को पीछे करते हैं तो हमारी ये जो पीछे वाली जो मसल्स है ये फैलती है, और ये फैलने से चेस्ट हमारा बढ़ता है, फूलता है। चेस्ट फुलाने में वैसे बच्चों को ज्यादातर निकाला नहीं जाता है, जिनका बहुत कम होता है एक अलग बात है, या जो बिल्कुल नहीं फुला पाते हैं अलग बात है, बाकी नॉर्मल फुलाने वाला भी 10 सेंटीमीटर फुला देता है। तो किसी भी सूरत में फुलाने के लिए आपको परेशान नहीं होना है, और शेम इसी तरह से पूरा होने में भी। चेस्ट को नापने के कई तरीके होते हैं, कहां से नापा जाता है, जब पास करना होता है तो कहीं से भी ऊपर नीचे से भी नाप लिया जाता है और पास कर दिया जाता है। यानी मैक्सिमम कंडीशन ये होती है कि चेस्ट में ज्यादातर बच्चे पास होते हैं, बहुत कम की एक अलग बात है। तो एक तो पॉजिटिव आपको रहना है, इसके बाद दो चीजों का ध्यान रखना है। एक दिक्कत ये हो सकती है जिसका चेस्ट पहले कम आ रहा है, जैसे जिसका चेस्ट है वो 75 आ रहा है, जब 75 आ रहा है फुलाने में आप 10 सेंटीमीटर फुला रहे हो, तो पहले आप 5 सेंटीमीटर की हवा भर लो। जैसे ही आपका नापना शुरू होता है, नॉर्मल नापा जाता है, उस समय हल्की सी हवा अंदर रखिए, जिससे क्या होगा कि 75 की जगह 81 तक आप हवा भर के कर लो, थोड़ी सी हवा अंदर रखो जिससे 81 हो जाए, और उसके बाद में फुला तो हम 10 सेंटीमीटर रहे थे तो फिर कम फूलेगा, 5 सेंटीमीटर भी आप फुला देंगे तो आपका आराम से 86 हो जाएगा, आप सीने में पास हो गए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जिनका पूरा है चेस्ट, 81 की जगह 91 है, लेकिन फूलता कम है, तो अगर कम फूलता है तो हवा बाहर निकाल के रखिए, पहले से कम रखिए, 91 की जगह 85 आने दो और उसके बाद में फिर पूरा फुला दो, तो उस कंडीशन में आपका चेस्ट पूरा हो सकता है। यानी कि अगर पहले से कम है तो हवा अंदर रखिए, अगर अगर फूलता कम है तो हवा बाहर निकाल के रखिए, तो इस तरह से आप आराम से अपना चेस्ट कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद हाइट के अंदर भी सेम ऐसा होता है, हाइट के अंदर भी अगर ज्यादा कम है तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं लेता है, किसी भी सूरत में आप हो सकता है कि फिट नहीं हो, बट अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो वो आप खड़े रहते समय पूरा कर सकते हो। अपनी बॉडी में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा सा खड़ा होने का तरीका थोड़ा सा अपने आप को ऊपर फील कराइए, हवा में थोड़ा सा अपने आप को खड़ा होते समय फील कराइए, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत अंतर आपकी हाइट में खड़ा होने की स्थिति से भी आ सकता है, और वो प्रैक्टिस आपको पहले से करनी है 2-3 बार, जिससे कि आप वो थोड़ा बहुत अंतर वो पूरा कर सकते हैं। और अगर एक बार किसी भी टेस्ट में आपकी हाइट हो चुकी है पहले कहीं, 168 से ज्यादा कहीं हुई है, उसका अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो भी आप रख सकते हैं, अपने बचाव के लिए दिखा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार हो सकती है। इसके अलावा वेट के अंदर बेटियों को इशू होता है, बेटियों का ही होता है वेट ओनली, तो वेट के अंदर क्या होगा कि आपको हो सकता है समय दिया जाए, हो सकता है समय नहीं दिया जाए,
वो वहां के ऑफिसर्स पे, वहां की परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, बट तुरंत ऐसे बाहर नहीं कर देते हैं। अगर 1-2 किलो वेट आपका कम है तो ऑफिसर पे डिपेंड करता है, वो आपको चला भी सकता है। तो डरना नहीं है, जिन बेटियों का 1-2 किलो वेट कम है वो पॉजिटिव रहे, उससे कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ही रनिंग हो जाती है उसके बाद में खाना पीना शुरू कर दे। खाने पीने में आप सामान अपने साथ रखने की कोशिश करिए या वहां से व्यवस्था करने की कोशिश करिए कि आपको खाने पीने की पर्याप्त सामान हो। जैसे केला आप खा सकते हैं, पानी आप पी सकते हैं, जूस आप पी सकते हैं, जो जो चीजें आपको वेट बढ़ाने में मदद करने वाली है वो चीजें रनिंग कंप्लीट होते ही फटाफट फटाफट खाना शुरू कर दो। 2-3 किलो तक वेट आदमी खाना खा के बढ़ा सकता है अगर लास्ट बार बढ़ाना है तो बस ये ध्यान रखना है वेट के अंदर। तो इस तरह से आप शारीरिक मापतोल के अंदर अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बाहर होने से बच सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अकेडमी का जो नंबर है इन पे आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने मेरा नंबर भी दिया है, अगर वो आपके पास नहीं है तो वो भी आपको बता देता हूँ। एक नंबर मेरा ये है, इस पे अगर आप पूछना चाहो कोई भी चीज तो इस पे भी आप पूछ सकते हो। 8503999666 इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, सिर्फ कॉल नहीं कर सकते। व्हाट्सअप मैसेज करके आप कोई भी जानकारी और भी ले सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा टाइम मिल गया, 2 महीने से ज्यादा का टाइम आपको मिल गया फिजिकल के लिए। सबकी तैयारी अच्छी है, सारे बच्चे पास होंगे। थैंक यू, जय हिंद।